हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 20 जुलाई जो कि झारखंड के आरएस मोड कॉलेज गोविंदपुर का इंटरमीडिएट का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है वो जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज से आप चाहें तो जो है, यदि आप जो है 10th पास हैं, ठीक है, तो यदि आप इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बेशक जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, या कॉमर्स के लिए, या साइंस के लिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या और जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उन सारी की डिटेल आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। एक एक स्टेप में आपको जो है एक फॉर्म फिल करके दिखाऊँगा कि आपको किस प्रकार से आप अपने डेस्कटॉप के मदद से जो है डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने चाहे तो आप अपने मोबाइल के जरिए भी डाल सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फिलहाल हम अभी जो है डेस्कटॉप के जरिए डालते हैं। हर एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बारीकी से क्लियर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो बन रहे इस वीडियो में अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा, और आइए आइए हम लोग जो है फॉर्म भरना चालू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, यदि दोस्तों आपको कोई फॉर्म भरने से रिगार्डिंग कुछ अगर पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स को आपको किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि जो है हम फॉर्म भरते समय जो है हमें कोई डिस्टर्ब ना हो, हम डायरेक्ट वहाँ किसी फोल्डर से वो चीज़ को उठाएंगे और वहाँ से जो है फिल कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ, और एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। सो दोस्तों, जैसा कि आप ये पेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल क्रोम से जो है नॉर्मली आपको आरएस मोड कॉलेज लिखना है, और आप देख पा रहे होंगे सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के साथ ही दोस्तों आपका जो है पूरा जो है आपका आरएस मोड कॉलेज का इंटरफेस आपके सामने शो कर रही है। नीचे आप देख पा रहे होंगे इंटरमीडिएट लिखा हुआ आ रहा है, 2022-24 का लिखा हुआ है, 2022 से 24 लिखा, और सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ये पेज ओपन होकर के आएगी, जहाँ पे आपको जो है कुछ निर्देश दिया गया है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाली है। ओके, तो जिसमें आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एक एक लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि आप समझा रहा हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले देखिए, न्यू एप्लीकेंट फर्स्ट नीड, जैसे कि आप नया हैं, ठीक है, आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो आपको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको जो है बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैन बी चेंज्ड आफ्टर, बोल रहा है कि आप जो है इसको जो है अगर कोई आपसे कुछ गलती हो जाता है फॉर्म भरने के दौरान, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं एक निश्चित समय तक ही, इसके बाद आप जो है इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो है जो भी फॉर्म भर रहे हैं आपको जो एडमिशन के टाइम जो है ये फॉर्म आपको जो काम आने वाली है, तो जो है आप इसको जो है संभाल करके रखिएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि एक कैंडिडेट जो है सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो है अमाउंट इसमें जो है कैंडिडेट का 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि आगे चल करके कुछ चार्जेस जिससे आप पेमेंट करते हैं, तो उससे जो है 6 रुपया 7 रुपया करके ऐसे कुछ करके चार्जेस कट रही है, ठीक है। तो लगभग मान करके चलिए आपको जो है 106 रुपया 7 रुपया ऐसे करके टोटल फॉर्म भरने का जो है खर्चा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों आपका एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि अभी के लिए भी, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है पूरे साल जो है अपना एक परफेक्ट ईमेल आईडी बना लें, ठीक है। यदि आपको ईमेल आईडी बनाना ना आता हो तो आप बेशक हमारे चैनल में विजिट कीजिए, मैं आपको वहाँ भी आपको दिखा दूंगा कि एक अच्छी तरीके से जो ईमेल आईडी कैसे जनरेट किया जाता है। बेशक आप अपने मोबाइल से भी एक ईमेल आईडी को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एक मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। फिलहाल अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, और दोस्तों आधार कार्ड जो है आपका जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका मैक्सिमम जो है 100 KB होना चाहिए। ओके, ठीक है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको दोस्तों आधार कार्ड जो लेनी है वो आपको सिंपली जो है अपने स्कैनर से स्कैन कर लेना है, या फिर फोटो खींच लेना है, और उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे बदलना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर इसमें डालता हूं तो थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो सिंपली आपको जो है आधार कार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में कर लेना है, और उसको जो है 100 KB से नीचे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एक फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन फोटो होना चाहिए, जो कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, उसका भी मैक्सिमम साइज़ 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
स्कैन, और उसके बाद एक सिग्नेचर आपको चाहिए, सिग्नेचर को भी आपको स्कैन कर लेना है, ठीक है, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है 10th का मार्कशीट होना चाहिए। कुछ हमारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि अगर उन लोगों का भी मार्कशीट नहीं आया हुआ है, ओके, और अगर वो भरना चाहते हैं तो बेशक आप जो है जो आपका रिजल्ट है आप उस रिजल्ट को ही डाल सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट का जो मार्कशीट ऑनलाइन निकला हुआ बेसिक फिलहाल के लिए वही डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एडमिशन के दौरान आपको जो है ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना हो, ओरिजिनल का जेरोक्स को लेकर के जाना ही होगा। और मार्कशीट और एडमिट कार्ड तो आपके पास है ही, उसको भी एडमिट कार्ड भी आपका जो है 200 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में भी होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप जो कैटेगरी में आप जो है अपना OBC SC ST अगर इसके लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इससे मायने नहीं रखता है कि आपका कब तक का है, ठीक है, थोड़ा सा आप जो है वहाँ पे रख लें और बाकी आप जो है कास्ट के लिए अप्लाई कर दें न्यूली, ठीक है। और अगर आप जो है एनुअल इनकम के लिए आपको जो है इनकम के का भी कुछ प्रूफ देना चाहते हैं तो आपको जो है एनुअल इनकम सर्टिफिकेट का भी PDF फॉर्मेट में ये चीज़ आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ये सारा चीज़ होना चाहिए। और आपको जो है पेमेंट करने के लिए आपको जो है कोई इंटरफेस डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू आपको पेमेंट करने के लिए ये चीज़ सारी चीज़ होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले आपके आप कृपया जो है ये सारे चीज़ को अरेंजमेंट कर लें, उसके बाद बेशक जो है आप जो है फॉर्म भरना स्टार्ट करें। तो फॉर्म भरने में आपको 3 से 4 मिनट के अंदर में जितना जल्दी आप टाइप कर सकते हैं आसानी से भर लीजिएगा। चलिए मैं आगे जो है फॉर्म भरने के प्रोसेस को बताता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों सिंपली जो है आपको रजिस्टर करने के लिए आपको जो है यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको जो है ये सारी डिटेल्स को फिल करनी है। सबसे पहले आपको लिखा हुआ आ रहा है कि एप्लीकेंट्स फुल नेम, यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट्स का फॉर्म भर रहे हैं वहाँ अपना वो अपना पूरा नाम नेम को डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स, आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, जो भी लेना है आपको सिंपली वहाँ पे वो चूज़ कर लेना है। जेंडर में आप जो है मेल फीमेल जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जो है अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। याद रखिएगा दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट कुछ अलग है, पहले आपको मंथ डालना है, उसके बाद डेट डालना है, उसके बाद ईयर डालना है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि जैसे कि आपको मान लीजिए 1/5 ऐसे है तो आप जो है 1 आपको बीच में आएगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें आगे मंथ है, उसके बाद डेट है, उसके बाद ईयर है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको जो आपके पिताजी का नाम को भरना है, ठीक है, जो आपके मार्कशीट में दोस्तों याद रखिएगा जो भी चीज़ जो भी इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट में लिखा हुआ है वही डॉक्यूमेंट्स को फिल कीजिएगा, ठीक है। कभी कभार बहुत को मिस्टेक होता है, वे अपने आधार कार्ड को देख करके डाल देते हैं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो और उसके बाद अपने नीचे उसके बाद पिताजी के नाम के बाद जो है आपको अपने माताजी का नाम डालना है, मम्मी का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद दोस्तों आपको एक आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। याद रखिएगा दोस्तों पासवर्ड आप जो है एक इस तरह से सेट कीजिएगा जैसे कि आपका कोई भी है, जैसे कि आपका 4 डिजिट का 4 कोई नेम ABCD होना चाहिए, और उसके बाद कोई अल्फाबेट एट द रेट इस तरह से कुछ जो है स्पेशल कैरेक्टर दे दीजिएगा, और 1, 2, 3 जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है सुमन तो सुमन का SUMA दे सकते हैं, और एट द रेट 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो अपना पासवर्ड दे सकते हैं, और सिंपली आपको नीचे अपना ईमेल ID को फिल कर देना है, ठीक है। और ईमेल ID को फिल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली जो है यहाँ पे जो है कंटिन्यू में रजिस्टर में जो क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा आपको नीचे जो है रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, सिंपली आपका जो है यहाँ से ये जो है आपका जो है ID जनरेट हो जाएगा। एक बार ID जनरेट होने के बाद दोस्तों सिंपली फिर से आपको बैक आना है, और आपको जो है इस जगह से जो है साइन इन करना है, आपको वो ईमेल ID और वो पासवर्ड को आपको डालना है और लॉगिन हो जाना है, और आगे का फॉर्म का फिलअप का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं जो है अपना ईमेल ID और वो जो पासवर्ड हमने जो है बनाया था वो आपको मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, और सिंपली जो है हम जो है साइन इन हो जाते हैं। साइन इन होने के बाद हमारा जो है वो ID ओपन हो जाएगी जिससे हमने बनाया था, और ID ओपन होने के साथ दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। जो मैंने पहले भरा हुआ था वो सारा डिटेल्स मेरा यहाँ आ गया है। अगर आपको किसी प्रकार का अपडेट करना है, कुछ एडिट करना है कि कुछ गलती या फिर सुधार करना है, तो सिंपली आप यहाँ से अपडेट करके जो है आप जो अपडेट कर सकते हैं। चलिए मेरा कोई गलती नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस में जो है आपका यदि आपका 2 एड्रेस फिल करना पड़ेगा, यदि आप एक आपका जो है अभी का एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस, ठीक है, मतलब आपका घर कहीं और है, आप कहीं और से पढ़ाई कर रहे हैं तो दोनों एड्रेस को फिल करना है। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है, ठीक है, आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप जो है परमानेंट एड्रेस में जो है आप सिंपली टिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको मैं जो है अपना एड्रेस डाल देता हूँ, सारा चीज़ डिटेल जो है यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है।
दोस्तों मैंने अपना जो है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और मेरा अभी का एड्रेस अलग अलग है, इसलिए मैंने दोनों में फिल किया है। आप जो है सिंपली यहाँ पे सेम एज परमानेंट में क्लिक करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है रिलीजन, आप किस रिलीजन के हैं हिंदूज, आपके सामने यहाँ पे सारा डिटेल्स आ रही होगी, आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कैटेगरी में आपको जिस कैटेगरी में आते हैं ओबीसी जनरल आपको जो भरना, याद रखिएगा दोस्तों यदि आप जनरल के लिए भरते हैं तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट कोई एनुअल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जो आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी पीडीएफ को पीडीएफ के फॉर्मेट में जो भी बना करके रखा हुआ है जिस फोल्डर से, सिंपली आपको जो उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। पहले दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बताया कि दोस्तों कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में 100 MB और 200 KB 200 KB के नीचे जो है करके एक बार जो है सबसे पहले अच्छे से बना ले, ताकि आपको जो इस फॉर्म भरते समय आपको सिंपली वहाँ जाना और वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया, सिंपली आपको जो है उसी सेलेक्ट कर लेना, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद यदि आप जो है डिजेबल हैं, तो यदि आप जो है फिजिकली हैंडीकैप हैं किसी प्रकार का आपका कोई ये है, तो सिंपली उसको यस करें, अदरवाइज आप जो है सिंपली नो कर दें। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आपको जो है ईयर ऑफ पासिंग डालना है, जो कि मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको जो है बोर्ड अथॉरिटी जो है आप कहाँ से दिए हैं, जैक बोर्ड से दिए हैं या CBSE से दिए हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली अदर कर सकते हैं, या फिर और भी कोई बोर्ड है तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ जैक में हूँ तो जैक से डाल देता हूँ। मार्क्स ऑब्टेंड आपको जो है टोटल जो है आपको मेन 5 सब्जेक्ट में आपको कितना आया है, मतलब आपको मार्कशीट में जो मार्क्स शो कर रही है वही मार्क्स को यहाँ पे डाल दें। ठीक है, और मार्कशीट का जो PDF फॉर्मेट आपने बना रखा है सिंपली उसको जो है अपलोड कर दें। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे कि ठीक है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक जो है परसेंटेज आपका आ जाएगा। उसके बाद मार्कशीट को अपलोड कर देना है, फिर आपको जो है मीडियम ऑफ स्टडी आपको सेलेक्ट करना है। ओके दोस्तों, मीडियम स्टडी मतलब जो है आप साइंस लेते हैं तो साइंस जो है आपको हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है वो आपको हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है, तो इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे, और हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी को सेलेक्ट करेंगे। मैं सिंपली यहाँ इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका एक कोर सब्जेक्ट, आपको इंग्लिश लेना है या क्या लेना है, तो ठीक है आपसे यहाँ से जो है इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। याद रखिए दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये तो आप इसमें कोई चुनाव नहीं कर सकते हैं, सिंपली आपको जो है कंपलसरी 2 में आपको जो है ये दोनों को चुनना है। एक में आपको देख सकते हैं कि इसमें जो है आप क्या क्या ले सकते हैं, तो मैं यहाँ से मैथ को सेलेक्ट करता हूँ, आप चाहे तो बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ आपको जो है यहाँ सेलेक्ट कर रहा, तो मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक और एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहे तो उर्दू जो भी है। उसके बाद दोस्तों आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको आपको जिस फाइल में है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और आपका जो सिग्नेचर आपको इतने जहां रखा है वो भी सेलेक्ट कर लेना है, और आपको सिंपली सारा चीज़ को एक बार मैच कर लेना है कि सही है या गलत है, और उसके बाद सिंपली आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट के बाद दोस्तों आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली जो है जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहो, जैसा कि यहाँ शो कर रहा है डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, सिंपली आपको जो है उसका जो है UPI के थ्रू पे मैं यहाँ पेमेंट करता हूँ, तो मैं उसका UPI ID दे देता हूँ, और सिंपली आपको जो है UPI ID पे एक मैसेज आएगा। ठीक है, उस मैसेज को आपको सिंपली पेमेंट कर देना है। आई होप आपको पेमेंट करने का तरीका पता होगा। ठीक है, आपको सिंपली पेमेंट कर देना है, और जिसके बाद से आपको जो है ये फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। आपको उसको प्रिंट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेनी है, और एक जो है प्रिंट आउट का जो है डॉक्यूमेंट्स में सेव करके रख लेना है अपने मोबाइल में, या फिर कहीं पे सेव करके आपको रख लेनी है। ठीक है, ताकि जो है ये चीज़ आपको जो है फ्यूचर में एडमिशन के वक्त जो है आपको ये काम आने वाली है दोस्तों, तो आप बेशक इसको संभाल करके रखें। आई होप दोस्तों आपको आसानी हुआ होगा ये फॉर्म भरने में। ठीक है, मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई भी अगर आप प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करने देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। और दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप जो है किस प्रकार से PDF में बनाएंगे, तो उसके लिए मैं एक और वीडियोज़ जो है आज ही डाल दे रहा हूँ, तो बेशक जो आप जो वो चीज़ को देख लें और उस सारा चीज़ को उस प्रकार से बना लें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।